अस्सलाम वालेकुम हबीबी, चाहे आप सैयद हो, शेख हो, इमन हो या पठान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान। फिर चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। रेडी? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान झंडा फहराने के समय करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला मुंबई से सटे भिवंडी इलाके की है। घटना आपको बता दें कि मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में ईद मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी रजा एकेडमी के जरिए भिवंडी शहर में ईद मिलादुन नबी की 19वीं वार्षिक जुलूस कोटर गेट से बड़ी धूमधाम से निकाला गया था और इस जुलूस में लाखों लोग भी शामिल हुए थे। इसी दौरान भिवंडी शहर के पिरानी पाड़ा इलाके से ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शामिल होने के लिए युवकों का एक ग्रुप भी हाथों में ऊंचे झंडे लेकर जोर जोर से नारे लगाते हुए शामिल हुआ था। युवकों ने हाथ में जो बाड़ा लोहे का सलिया 20 से 25 फुट था, वो सलिया ऊपर 21,000 हाई पावर तार की लाइन से टकरा गया जो सड़क के बीचों बीच जमीन से 25 फीट ऊपर था। सलिए से बिजली के तार टकराने के कारण जो है युवक के गंभीर रूप से ये युवक झुलस गया और मौके पर मौजूद लोगों ने झुलसे युवक को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान अशफाक शेख उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और पेशे से टेलरिंग का काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शंकर इंदलकर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और घटना की जांच बारीकी से शुरू कर दी है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इन लोगों ने मना भी किया था कि ऊपर हाई टेंशन वायर है, यहाँ से इतना बड़ा लोहे का रॉड जिसपे झंडा लगा हुआ है वो लोग यहाँ से जा रहे थे, तो मना किया ऊपर हाई टेंशन वायर है, आप मत लेकर जाए, लेकिन इन लोगों ने अनदेखा किया और ये दुखद घटना हो गई। यहाँ पे मेडिकल के पास खड़ा था, मास्टर मेडिकल करके है, मैंने लोगों को देखा, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उनको समझाया कि इधर देखो हाई टेंशन वायर है, यहाँ से मत लेके जाओ और आगे थोड़ा लेके जाओ। उन लोग ने ध्यान दिया नहीं और ऊपर उन लोगों का टच हुआ, जिसमें से 4-5 बंदे थे, 4 लोग को थोड़ा थोड़ा करंट मारा, बाकी जो मेन पकड़ के बैठा था उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। सर ये बाहर अभी लोग जुलूस लेके जा रहे थे, तो हमने बोला कि इमामबाड़े के सामने हाई अलर्ट है, ऊपर वायर गया है, मना कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, बहुत से लोग मान रहे, तो एक आदमी नहीं माना, वो खड़े हो गए, वो अब उनका पावर खींच लिया, 4 आदमी थे, तीनों आदमी नीचे गिर गए, एक आदमी जगह पे डेड हो गया। कितने बजे की घटना है ये? देखा 1.5 घंटा पहले की। डेढ़ घंटा, यानी कि 2:30। हाँ।